हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वीडियो से पहले मैं 4 वीडियो इस चैप्टर की बना चुका हूँ, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक में यह लेसन समझा है। फिर इस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के और अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं जो 6, वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो आगे मैं करवाता हूँ। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन आंसर और पूरा लेसन ये करना है तो इसी चैनल से आपको उन दूसरे वीडियो मिल जाएंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि आपके पास सभी वीडियो खुद ब खुद पहुंच जाए। तो चलिए शुरू कराता हूँ। तो इसमें 7th क्वेश्चन है आपके पास। तो 7th क्वेश्चन में देखो, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। तो आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सूत्र है CaOH2, नीचे है जो CaOH2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो बनता क्या है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो हम नीचे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और जल, तो ये अभिक्रिया है देखो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है ये, इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 प्लस H2O बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। तो इसमें देखो CA जो है कैल्शियम एक है इधर, और इधर भी कैल्शियम एक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे जो है दो है, दो देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना ये, तो इसका मतलब बाहर जो दो है या तीन है जितना भी होता है, अंदर वाले भी उतने ही होते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ भी दो है, तो 4 हो गए ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 ऑक्सीजन ये है और एक ये है, 4, 4 ही राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है तो बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है क्योंकि H के बाहर दो है और यहाँ भी दो है, तो इसलिए ये सभी समीकरण जो है पूरी संतुलित है। कार्बन इसमें यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो सभी तत्व बराबर है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, इसलिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके जो बी भाग है वो देखते हैं। तो इसमें है जिंक जमा सिल्वर नाइट्रेट। तो जब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बनता है। तो नीचे दिया हुआ है जिंक का होता है ZN प्लस सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर को देख लेते हैं हम। तो इसमें देखो अभिक्रिया, तो इसमें आपके पास जिंक है, जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट बनता है ZnNO3 प्लस 2 Ag बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है क्योंकि इसमें जिंक भी एक है इधर, देखो यहाँ पे 2 लगाया है इसने और यहाँ भी 2 लगाया है, तो क्योंकि ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बनानी थी इसलिए यहाँ पे दोनों जगह 2 लगा दिया और ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, जिंक यहाँ एक है यहाँ भी एक है, एन यहाँ पे कितना है 2, क्योंकि 2 आगे है इसका मतलब 2 Ag है यहाँ पे, 2 N है और ऑक्सीजन यहाँ 3 × 2 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी 3 × 2 6 दोनों तरफ है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है क्योंकि ये बाहर 2 लगा हुआ है और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। Ag के आगे भी 2 लिख दिया क्योंकि इधर भी Ag 2 है, सिल्वर होता है Ag, N होता है नाइट्रोजन, O होता है ऑक्सीजन, ZN होता है जिंक। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जैसी है संतुलित है। फिर उसके बाद अगली अभिक्रिया में है जो, इसमें एल्युमिनियम Al
और कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है कॉपर क्लोराइड। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और कॉपर बनता है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। तो इनको संतुलित करने के लिए हमने यहाँ दो लगाया, यहाँ तीन लगाया, फिर यहाँ दो लगाया, यहाँ तीन लगाया, तब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है। आप चेक कर सकते हो दोनों तरफ इसमें तत्वों की संख्या बराबर है। ठीक है बच्चों, फिर अगला आता है डी भाग आपके पास, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जब कॉपर सल्फेट के साथ, ये पोटासियम सल्फेट है सॉरी, पोटासियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है तो पोटासियम क्लोराइड बनता है, KCl बनता है, और बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट है BaSO4। ठीक है, और इसको संतुलित, ये रासायनिक अभिक्रिया एटोम, यहाँ पे दो लगाना है बस, तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। फिर उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो इसमें भी देखो पोटासियम ब्रोमाइड है एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड है प्लस, और बनता क्या है तीर के बाद पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इनके आपने फार्मूले वगैरह याद रखने हैं, बार बार लिख के देखने हैं अपने, तब आके याद होंगे। तो इसकी अभिक्रिया आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभिक्रिया इसमें देखो आपके पास है ये KBr, KBr होता है पोटासियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, BaI2 होता है बेरियम आयोडाइड, आई जो होता है वो आयोडीन होता है, और जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आई जो है वो के साथ चला जाता है और Ba के साथ Br आ जाता है, ब्रोमीन होता है Br, ब्रोमीन होता है, के होता है पोटाशियम, Ba जो होता है बेरियम है, आई है आयोडीन। ठीक है, तो ये KI पोटाशियम आयोडाइड बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है, और यहाँ पे दो लिखना है आगे और यहाँ पे दो लिखना है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास है बी भाग, तो बी भाग की अभिक्रिया आपको पढ़ा देता हूँ। जिंक कार्बोनेट क्या है, जिंक कार्बोनेट, और जिंक कार्बोनेट जो है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होता है। तो जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया आपको बता देता हूँ, तो ये है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, या CO2 गैस बाहर निकल जाती है इसमें से। ठीक है, ऐसे ही अगली अभिक्रिया है हाइड्रोजन जमा क्लोरीन, हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन है Cl2। तो जब दोनों गैस आपस में मिलती हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है, HCl बनता है, और इसके आगे यहाँ दो लिखना है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। फिर है Mg प्लस HCl, Mg है मैग्नीशियम और HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब आप अभिक्रिया इनकी कराओगे तो MgCl2 बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है अलग से। ठीक है बच्चों, और इसमें आगे जो दो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है। फिर है निम्न इन समीकरणों के प्रकार, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया बतानी है हमने। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अच्छा ये जो आपके पास ये जो ऊपर अभिक्रियाएं थी ना, तो इनके प्रकार भी आपने बताने हैं। तो जो ए है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Br तो है इधर विस्थापित हो जाता है और आई जो है इधर विस्थापित हो जाता है, तो दो विस्थापन होते हैं इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। और यहाँ ये ZnCO3 देखो एक अभिकारक है, एक अभिकारक टूट कर दो या दो अभिकारकों में बदल गया, तो इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये अपघटन अभिक्रिया है बी वाली, इसे वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास सी है H2,
प्लस एल टू। अब दो अभिकारक आपस में जुड़ के एक अभिकारक बनाता है तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो सी जो है संयोजन अभिक्रिया है। और एम जी प्लस टू एच सी एल, अब ये क्लोरीन पहले एच के साथ था, फिर ये क्लोरीन इधर चला जाता है, देखो इधर एम जी के साथ लग गया और हाइड्रोजन अकेला रह गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो डी जो है विस्थापन अभिक्रिया है। फिर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है, देखो लेसन जब समझाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं या गैस को जलाते हैं, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें गर्मी पैदा होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है या ऊर्जा पैदा होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रियाएं हैं, दो उदाहरण हैं इनके पास। कार्बन, कार्बन का मतलब कोयले को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 गैस बनती है और ऊष्मा बनती है। ऐसे ही जब बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है और वो गर्म हो जाता है चूना, तो वो ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? उसके उल्ट, ऊष्माक्षेपी के उल्टा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे होती है जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसको कराने के लिए हमें इसको गर्म करना पड़ता है, गर्मी देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। ऐसे ही ये अभिक्रिया भी ऊष्मा देने से ही होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर दसवां प्रश्न है आपके पास, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन क्या होता है? सांस लेना, या जब भोजन हम सांस लेके भोजन पचाते हैं, भोजन के साथ ऑक्सीजन मिलती है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन, हमने भोजन कर लिया, भोजन से हमें ग्लूकोज मिलता है, और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस के द्वारा ऐसे, तो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेगी और उससे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखो आपके पास है, श्वसन की क्रिया से हमारे शरीर में कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिससे ऊर्जा निकलती है, इसी ऊर्जा को हम दैनिक कार्य में प्रयोग करते हैं, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया का की जो रासायनिक अभिक्रिया है ये आप लोग लिख लीजिए, जो ग्लूकोज होता है उसका सूत्र होता है C6H12O6, यानी C6 कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन 6 होता है। तो जब हम ऑक्सीजन गैस अपने सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं तो इस ग्लूकोज जो रोटी से मिलता है हमें से अभिक्रिया करता है, तो ये CO2 गैस बनती है जिसे हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं और पानी बनता है, ठीक है, और ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होती है? तो संयोजन और वियोजन एक दूसरे के उल्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको आगे समझेंगे क्यों होते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया है में एक अभिकारक, एकल अभिकारक का मतलब एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। यानी वियोजन अभिक्रिया में तो एक अभिकारक टूट जाएगा और दो अभिकारक उत्पाद बनते हैं, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो अभिकारक आपस में मिल जाएंगे और एक उत्पाद बनता है, तो एक दूसरे के उल्ट है ये, तो इसलिए हम इनको एक दूसरे के उल्ट विपरीत कहते हैं। तो ये देखो अभिक्रिया है, जैसे
इसमें कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है जो इसको गर्म किया हमने, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस बाहर निकल गई। तो ये है वियोजन अभिक्रिया, यानी एक अभिकारक है और दो उत्पाद हैं, यानी एक चीज की दो चीजें बन गई, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है, इसी के बिल्कुल उल्टा आता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हम CaO+CO2, ठीक है, या CaO कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ऊष्मा भी निकली, ठीक है। तो यहाँ देखो दो अभिकारक हैं, दोनों मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास प्रश्न है 12वां क्वेश्चन, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वियोजन अभिक्रिया लिखनी है जो गर्म करने पर होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है और उससे विद्युत के द्वारा होती है। तो देखो इसमें एक तो यही है, चूने के पत्थर को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो चूने के पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये ताप यानी गर्म किया है हमने, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, यानी बिना बुझा चूना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये तो है गर्म करने पर अभिक्रिया होती है, वियोजन यानी विखंडन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। और जो प्रकाश में होती है, सूर्य के प्रकाश में AgCl होती है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखते हैं तो क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, Ag अलग हो जाती है, तो Ag+Cl2। तो ये जो अभिक्रिया है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफ बनाते थे पहले, उनमें करते थे इस अभिक्रिया का प्रयोग, ठीक है। फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन का मतलब जब हम पानी में से विद्युत धारा को गुजारते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो H2O में से जब विद्युत धारा गुजारेंगे तो H2 गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है, तो ये हो जाती है इसमें। फिर अभिस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनकी अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब जब एक भाग टूटकर दूसरे के पास चला जाता है, ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का आपने उत्तर लिख लेना है, ठीक है। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। तो ये आपका उदाहरण है इसका, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम जिंक डालते हैं या आयरन डालते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, यानी SO4 जो कॉपर के साथ था ना पहले, वो जिंक के साथ मिल जाता है और कॉपर अकेला रह जाता है, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो विस्थापन होंगे, एक चीज से अटके इधर चले जाएगी और दूसरी से अटके दूसरी चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये अभिक्रिया है, आपने लिखनी है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, Na2SO4 है, तो SO4 जो है Ba के साथ लग जाएगा, क्लोरीन जो है Na के साथ लग जाएगी, तो BaSO4+NaCl बन जाता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है 14th, तो 14th क्वेश्चन में क्या आएगा देखो, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन में है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो सिल्वर नाइट्रेट का जब हम शोधन का मतलब उसको शुद्ध करते हैं तो उसमें कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो
तो कॉपर के साथ NO3 जो है वो लग जाता है और Ag यानी सिल्वर अलग रह जाती है। तो ये अभिक्रिया है इसमें, 2AgNO3 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, तीर का निशान है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag, तो ये सिल्वर हमें अलग मिल जाती है। ठीक है बच्चों, फिर अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनते हैं अघुलनशील। तो इसका उत्तर समझिए आप लोग, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम सल्फेट विलयन में बोरियम क्लोराइड विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, अघुलनशील अवक्षेप होते हैं वो। जैसे जब हम सर्फ पानी में मिलाते हैं ना तो उसके ऊपर झाग आ जाते हैं, उसी तरह उस अभिक्रिया में ऊपर सफेद रंग के अवक्षेप आ जाते हैं जो पानी में निकलते। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है आपके पास, सोडियम सल्फेट है, और जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट जो है सफेद अवक्षेप बन जाते हैं इसके, और सोडियम NaCl रह जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो ऑक्सीजन उपचयन, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया जैसे Mg प्लस O2 तो MgO यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम में वृद्धि हो गई है तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या एक और आप C जमा O2 CO2 लिख सकते हो, ये भी उपचयन अभिक्रिया है। और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अपचयन भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो कमी हो से अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2 है, तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी पहले, यहाँ नहीं है तो अपचयन हो गया। ऐसे ही जिंक का अपचयन हो गया इसमें। ठीक है बच्चों, फिर 17वां क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है एक्स है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, उस तत्व एक्स वह उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। तो जो एक्स है ना, तांबा होता है वो, तांबा यानी कॉपर, जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तो वो काला हो जाता है, तो वो भूरे रंग का जो एक्स है वो कॉपर है या तांबा है उसे बनने, जब हम उसको गर्म करते हैं तो काले रंग का जो पदार्थ बनता है ना, क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, यानी वो कॉपर का जंग बनता है। जैसे लोहे का जंग होता है ना, वैसे ही कॉपर का जंग होता है CuO, क्यूपरस ऑक्साइड। तो इसको होता है, जैसे कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तांबे को, तो वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, काला हो जाता है। ठीक है, फिर लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? तो आपको पता है लोहे को जंग लग जाता है, जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, और उनको सुंदर बनाने के लिए भी हम पेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जो खाद्य तेल से बनी हुई वस्तु होती है ना, जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, तो उनको हम पैकेट के अंदर बंद करते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वो बाहर की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया ना कर सके और आपके कुरकुरे और चिप्स जो है लंबे समय तक वो ठीक रहते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के उसमें आ गए संपर्क में, जैसे ही आप पैकेट को फाड़ देते हो तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें चली जाती है, जिससे आपके कुरकुरे एक दो दिन बाद वो खराब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते। तो इसलिए खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। फिर निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण, संक्षारण होता है जर लगना। ठीक है, तो जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वायु
नमी के कारण उसके ऊपर संक्षारित हो जाती है वो, और उसके ऊपर जंग लग जाता है। जैसे लोहे को आप, नया लोहा है, आपने 2-4 दिन आप बाहर खुले में छोड़ दो उसको, तो उसके ऊपर भूरी रंग की परत आ जाती है, जो लोहे का जंग कहते हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं हम, ठीक है। और विकृत गंधिता क्या होता है बच्चों? विकृत गंधिता होता है जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ना, ठीक है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने के कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण हो जाता है तथा उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, और इसी क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे वसा युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना, ठीक है, ऊपर आ गया था जो प्रश्न कि हम वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ताकि वो विकृत गंधिता ना हो पाए, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और वो ठीक रहें, उनका स्वाद ना बिगड़े, वो ठीक रहें लंबे समय तक, ठीक है बच्चों। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न पूरे हो चुके हैं और ये लेसन भी पूरा हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर नहीं किया, ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू, जय हिंद।